नमस्कार श्रुतिकुंद, आज आम शुणा प्रथम अध्यायर 45 एवं 46 श्लोक। अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिताव्यं यद्राज्ये शुक्लोभेने हन्तुं शजन मुध्यता यदि मां प्रतिकार मस्त्रन शस्त्र पानायन धार्तराष्ट्रन रणे हयन्स्युन्ते मे क्षेमेतरम भवते। अर्जुन एठारे कहुचंती बड़ आश्चर्य दुखर कथा जे आमे माने घोर पाप करिया कु निश्चय करनेइचु। राज्य ओ सुखर लोभरे निजर सोजन मानंकु मारिया पाई प्रस्तुत हो जाइचु। जदि हातरे अस्त्र शस्त्र धरिथिबा ए धृतराष्ट्रंकर पक्षर लोके रण प्रांगण रे प्रतिकार रहित ओ शस्त्र विहीन मते मारि दियंती तथापि ताहा मो पाई अति हितकारक हब। यही श्लोक गुड़िकर अर्जुन कहवापी चाहूंज निजर सद्विचार को ज्ञान को आदर करने द्वारा ही शास्त्र और गुरुजन वचन पालित हो पार। किंतु जो मनुष्य निजर सद्विचार को निरादर करे से शास्त्र गुरुजन और सिद्धांतर सदउपदेश को शुणी धारण करना निजर सद्विचार को बारंबार निरादर और तिरस्कार करने द्वारा सद्विचार जाग्रत हवा बंद हो जाए। एठारे युद्ध रूपक क्रिया आड़ को अर्जुन को दृष्टि रही से युद्ध रूपक क्रिया को दोषमुक्त मनेकरी से निवृत हवापी चाहूंट किंतु प्रकृतरे दोष कौन से दिगक अर्जुन को दृष्टि ना। युद्ध में कौटुंबिक मोह स्वार्थ भाव और कामना ही दोष किंतु ए प्रति दृष्टि नजबार अर्जुन एठार आश्चर्य और खेद प्रकाश कर। वास्तव में यह कौन सी विचारशील धर्मात्मा और सुरवीर क्षेत्रीय पक्ष शोभन नुह। अर्जुन आहुरी कहते जदि मु युद्ध में सर्वथा निवृत हो जी बोध हुए यही दुर्योधन आदि मध्य युद्ध रु निवृत हो जीवे। आमे जदि किसी चाहबू ना कि युद्ध करूँ ना ताने युद्ध कहीं करे। जदि उत्तेजित हो तथा हाथ में अस्त्र धारण कर धृतराष्ट्र पक्षर लोक मैंने सबुदिन से मार्ग निष्कंटक करने शत्रु समाप्त करने को विचार कर युद्ध पाई अनिच्छुक और अस्त्र विहीन मत मारि दियंती तेबे से मानकर हत्या मोपाई हितकारक हबो। मु युद्ध रे गुरुजन मानंकु मारी घोर पाप करिया पाई जो निर्णय करी से ही निर्णय रूपक पापर प्रायश्चित हो जीवो से ही पापरु मु शुद्ध हो जीवी। तात्पर्य हला जदि मु युद्ध न करी ताहले मु पापरु त्राही पाई जीवी एवं मोर कूल मध्य नष्ट हबो नाही। वास्तव रे युद्ध हबाटा निश्चय थिला एहाकु केही एड़ी पारी न थांते। स्वयं भगवान विश्वरूप देखेवा समय रे अर्जुन को कहिचंती मु वर्धित काल एवं समस्तक संघार पई एठाकु आसीछि तुम युद्ध न कले मध्य एही विपक्ष रे योद्धा माने बंचिबे नाही एति पई एही नरसंहार निश्चय थिला। अर्जुन युद्ध न करिथिले मध्य एही नरसंहार होइथांता। अर्जुन जदि युद्ध करिन थांते तथापि युधिष्ठिर युद्ध करिथांते। जो युधिष्ठिर मांकर आज्ञारे द्रौपदी को भाई सहित बहुत करते से युधिष्ठिर मां को आज्ञारे अवश्य युद्ध करिथांते। भीम मध्य केवे युद्ध रु पचगुछा दे न थांते कारण से कौरव मानंकु मारिया पई प्रतिज्ञा करिथिले। द्रौपदी मध्य कहिथिले जदि मो पति माने पांडव माने कौरवंक सहित युद्ध न करंती तेबे मोर पिता द्रुपद भाई दृष्टद्युम्न ओ मोर पांच पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवंक सहित युद्ध करिवे। एपरि अनेक कारण जोगु युद्ध को एड़ेबा संभव नथिला। एहा परे आमे शुणिबा संजय उवाच आर श्लोक जय श्री जगन्नाथ।